भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, मोदी सरकार आरक्षण यूनिवर्सिटियों पे अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है, और इसी को लेकर जो अभी वर्तमान में सबसे मुद्दा बड़ा निकल के आ रहा है वो है रोस्टर वाला। 200 पॉइंट का जो रोस्टर है उसको लेके दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है प्रोफेसर रतन लाल जी और जो भी शिक्षाविद है उनके द्वारा। इसी कड़ी में हम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है सीबी यादव जी, उनसे बात करते हैं कि ये क्या सिस्टम है और इससे आने वाले टाइम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप बताएं, जो ये रोस्टर प्रणाली है ये वर्तमान में जो परिवर्तन है और लोगों में काफी विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कहना है आपका इसमें? एक तरह से एक बहुत गहरी साजिश है जिसके तहत यूनिवर्सिटीज के अंदर एक तरह से सामाजिक न्याय की संकल्पना और आरक्षण लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। वस्तुतः तो इस आदेश का मूल में है क्या, क्योंकि 200 पॉइंट रोस्टर जो पहले था वो काले साहब ने एक दिया था जिसके अंदर आरक्षण जो था वो लगभग 49% के आसपास आरक्षण उसमें बैठता था, और जो इकाई मानी गई थी वो यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। अब दो बड़े चेंजेज जो है, पहला बड़ा चेंज ये हुआ है कि जो इकाई होगा आरक्षण की, जो इकाई होगी जो गणना की जाएगी वो विश्वविद्यालय और कॉलेज न होकर के विभाग होगा। अब विभाग में पोस्ट बहुत कम होती है। दूसरा जो चेंजेज किया है कि 200 पॉइंट की जगह 13 पॉइंट रोस्टर किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि पहले जो 16 सीटों में से पहले जो 1 से 3 सीट थी वो अनरिजर्व थी, चौथी जो सीट थी वो ओबीसी को थी, सातवीं सीट एससी को होती और चौदहवीं सीट जो है एसटी को होती, इसी तरह से 12वीं सीट थी वो ओबीसी को होती और 15वीं सीट थी वो एसटी को होती और 16वीं जो सीट थी वो ओबीसी को रिजर्व थी। कुल मिलाकर के अब ये था, लेकिन 13 पॉइंट में तो ये हुआ कि अनुसूचित जनजाति का तो आरक्षण बिल्कुल 0% हो गया, उनका कोई कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर में आ ही नहीं सकता। सर आपका कहना है भाजपा सरकार है जो आरक्षण खत्म करने के लिए नए नए पैंतरे लेके आ रही है, इस पर क्या कहना है इस पे? मेरा ये मानना है कि ये आरक्षण को खत्म नहीं, आरक्षण जैसी व्यवस्था लागू होने के बावजूद भी कभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इसमें भाजपा की ये कोशिश तो शुरू से लगी रही है, लेकिन ये कोशिश ही तो मुझे लगता है पहले भी लगातार जारी रही है, जिसमें ये रिजर्वेशन और सामाजिक न्याय की संकल्पना को इसकी परिभाषा में पूरी तरह से पहले भी खत्म किया जाता रहा है। ऐसा मामला आप राजस्थान में आरएएस की भर्ती में देखें तो वहां भी 51% जो है वो जनरल का आरक्षण कर रखा है। इसलिए इस तरह की कोशिशें पहले से चली आ रही थी। वैसे भी यूनिवर्सिटी लेवल पे जो लागू किया गया है वो एसटी का आरक्षण 1997 में और ओबीसी का आरक्षण 2006 में लागू हुआ है। तो एक तरह से ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है, प्रोफेसर में तो रिजर्वेशन ही नहीं है। आप ये देखिए कि आज वाइस चांसलर बनने के लिए 10 साल का अनुभव चाहिए, लेकिन अब जब कोई प्रोफेसर ही नहीं बनेगा रिजर्व कैटेगरी के से तो वाइस चांसलर भी नहीं बनेंगे। इसका मतलब सिंडिकेट में भी नहीं होगा, इसका मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे एक तरह से रिजर्व कैटेगरी का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह से जुडिशरी की एक संकल्पना थी वैसी की वैसी स्थिति यूनिवर्सिटीज लेवल पे आने वाली अब है। आगे क्या मांगे सर आपकी? आगे जो वर्तमान में जो ये 13 पॉइंट रोस्टर और जो विभाग को इकाई माना है इसको, इस आदेश को निरस्त करते हुए जो पुराना आदेश था 200 पॉइंट रोस्टर और जो इकाई की गणना हो वो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, ताकि आरक्षित वर्ग को उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से पर्याप्त उनको जगह मिल सके। ये थे हमारे साथ सीबी यादव जी, उनका साफ कहना है कि जो यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर जो रोस्टर प्रणाली जो आरक्षण है उसके अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके का सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे जो दलित वंचित तबका है जो प्रोफेसर बनने की सोचता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सोचता है, वो इस रोस्टर प्रणाली के थ्रू एक बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। और जब समाज को ही शिक्षाविद नहीं मिलेंगे इस समाज से, तो इस समाज का विकास कैसा होगा, एक बड़ा सवाल है। और ये देखना होगा आने वाले समय में किस दिशा में ये रोस्टर प्रणाली और आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है वो क्या, वो एक बड़ा सवाल रहेगा ये हमारे लिए, जिसका हमें भविष्य में एक बड़ा अंतर देखने को मिलेगा कि क्या जमीनी स्तर पे समाज का जो वंचित तबका है वो शिक्षा के क्षेत्र में कामयाब हो पाएगा, अपना विकास कर पाएगा, ये देखने को मिलेगा।